नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेल्थ पिकनिक पर। आज हम जानेंगे आयुर्वेद में गिलोय का क्या महत्व है, तो चलिए हम इसके महत्व को जानते हैं। गिलोय की उत्पत्ति के संबंध में कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत कलश छलकने से उसकी बूंदें जहां भी गिरी वहीं गिलोय या अमृता का पौधा निकल आया। आयुर्वेद में गिलोय को बहुत ही उपयोगी और गुणकारी बताया गया है। इसे अमृता, गुडुचि, चित्ररुहा, चंग्रांगी, गुर्ग, मधुपंची, जीवंतिका कई नामों से भी जाना जाता है। और हाँ, चलिए इसके दूसरे पार्ट में देखते हैं क्या है। भारत के प्राचीन वेद आचार्य चरक को भारतीय औषधि विज्ञान का पिता, इंडियन फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। आचार्य चरक ने अपने ग्रंथ चरक संहिता में गिलोय के गुणों का खूब वर्णन किया है। आचार्य चरक के अनुसार गिलोय बात दोष हरने वाली, त्रिदोष मिटाने वाली, खून को साफ करने वाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने वाली, बुखार जोर नाशक, खांसी मिटाने वाली प्राकृतिक औषधि है। तो है ना कमाल का गिलोय। चलिए, आयुर्वेद के अनुसार गिलोय का उपयोग टाइफाइड, मलेरिया, कालाजार, डेंगू, एलिफेंटेसिस, फील पाँव या हाथी पाँव, विषम ज्वर, उल्टी, बेहोशी, कफ, पीलिया, धातु विकार, यकृत निष्क्रियता, तिल्ली बढ़ना, सिफिलिस, एलर्जी सहित अन्य त्वचा विकार, झाड़ियाँ, झुर्रियाँ, कुष्ठ रोग आदि के उपचार में किया जाता है। है ना कमाल का ये गिलोय। चलिए, इसके अलावा डायबिटीज के रोगियों के लिए इस शरीर में नेचुरल इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ा देती है। इसे कई डॉक्टर इंडियन कुनेन भी कहते हैं। गिलोय के जूस का नियमित सेवन करने से बुखार, फ्लू, डेंगू, मलेरिया, पेट में कीड़े होने की समस्या, रक्त में खराबी होना, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, टीबी, मूत्र रोग, एलर्जी, पेट के रोग, डायबिटीज़ और स्किन के बीमारियों से राहत मिल सकती है। गिलोय से खूब भूख भी लगती है। गिलोय में ग्लूकोसाइड, गिलोइन, गिलोइनिन, गिलोएस्ट्रोल तथा बर्बेरिन नामक एलेकाइड पाए जाते हैं। वैसे तो गिलोय की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन भारत में कभी गिलोय का ही उपयोग दवा बनाने में किया जाता है। क्या ये बात आपको पता है? गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है उसी के गुणों को ग्रहण कर लेती है, इसीलिए नीम के पेड़ पर लगने वाली गिलोय को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसी गिलोय को नीम गिलोय भी कहा जाता है। तो है ना कमाल का गिलोय का पौधा। ऐसा भी कहा जाता है कि गिलोय जिस पेड़ पर उगती है न तो उसे मरने देती है और न ही सेवन करने वालों को भी मरने देती है। शायद इसीलिए योग और आयुर्वेद के विद्वानों ने उसे अमृता का नाम दे दिया है। एक काफ़ी अच्छी नाम है। और हाँ, गिलोय के संबंध में तो यह नाम खूब जसता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल हेल्थ पिकनिक को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि कोई भी वीडियो में आपके पास लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा। और हाँ, हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल